देश में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आँख, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी संक्रमित करता है। व्हाइट फंगस के पटना में अब तक 4 मरीज मिल चुके हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर SN सिंह का कहना है कि जो 4 मरीज मिले हैं उनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि वे सभी कोरोना से नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से पीड़ित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थे। 4 मरीजों में पटना के चर्चित सर्जन भी, जिन्हें एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच से पता चला कि वे व्हाइट फंगस से पीड़ित हैं। एंटीफंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 पर पहुंच गया। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि, जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टरलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वह फंगस से मुक्त हो। व्हाइट फंगस के भी वही कारण है जो ब्लैक फंगस के हैं, जैसे प्रतिरोधक क्षमता की कमी, डायबिटीज, एंटीबायोटिक का सेवन या फिर स्टेरॉइड का लंबा सेवन। कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं उन्हें ये जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नवजात में ये डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है, जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चे में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।